प्रेपरेशन चाहे कोई भी हो, बट द बिगेस्ट फियर ऑफ एवरी एग्जामिनेशन इज फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स. हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी. वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल. एंड इन टुडेज वीडियो वी गोना बी स्ट्रेटजाइजिंग द फिजिक्स एंड वी विल बी प्लानिंग द कंप्लीट स्टडी प्लान फॉर योर फिजिक्स. सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस वीडियो इज इन दिस वीडियो वी गोना बी डिस्कसिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईजी and high scoring chapters from the physics section. And please make sure that you are watching this video from the starting to the end. Now without any further ado, let's get started. So देखा जाए तो biology हमें पसंद भी है, हमारे scoring भी है, plus हमें वो ही चीज़ दिन भर सुबह हो चाहे शाम पढ़ना पसंद भी है. But ये चीज़ें सभी लोगों को पसंद है. So the thing that will make you different from everyone is the score in your physics and the chemistry subject. So we have discussed about the important chapters of chemistry, and if you have not seen the video, you can click on the link above. So after that, ये physics और chemistry है जो हमारे admission को decide करेगी. And for that we have to make sure कि हम physics से डरे नहीं, but ऐसे बहुत सारे chapters हैं जो कुछ tough chapters के पीछे छुपे हुए हैं. मतलब कि बहुत सारे ऐसे chapters हैं जिनको हम tough समझ के ऐसे ही neglect कर देते हैं because of the tough chapters that are present before them. So in this video we're going to be talking about the easiest chapter as well as the scoring and the simple chapters too. So, अगर हम इन चैप्टर्स पे गौर फरमाएं जो कि एक टफ चैप्टर के पीछे छुपा हुआ चैप्टर है, सो वी कैन हैव द चेरी ऑन द केक, विच मीन्स कि हमारे बायोलॉजी के पास अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के थोड़े से चेरी डाल दें, देन वी विल बी एबल टू गेट सिलेक्टेड एंड वी विल बी एबल टू ईट दैट केक. अब मैं बताना चाहूँगी कि हर चैप्टर के कुछ एक क्राइटेरिया होता है जिस बेसिस पे उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड देयर आर सम परसेंटेजेस ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स. सो देयर आर सेवरल हाई स्कोरिंग चैप्टर्स बट दे आर सो टफ, एंड इन दिस वीडियो हम लोग उन चैप्टर्स के बारे में जानेंगे जो चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं, प्लस जिन चैप्टर से आप अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं. एंड 50-60% फिजिक्स विल बी कवर्ड इन दीज ईजी चैप्टर. और अगर आप इतने ही चैप्टर्स फिजिक्स और इतने ही चैप्टर केमिस्ट्री में कर लेंगे, देन यू विल बी एबल टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईजी एंड हाई स्कोरिंग चैप्टर्स. फॉर द क्लास 12 वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द यूनिट्स ऑफ दीज चैप्टर्स, एंड प्लीज मेक श्योर इन यूनिट्स में जो भी चैप्टर लाए कर रहे हैं आप उन चैप्टर्स पे ध्यान देंगे और उन चैप्टर से अपनी पढ़ने की स्टार्टिंग करेंगे. सो द हाई स्कोरिंग चैप्टर और द यूनिट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, विच मींस इलेक्ट्रिक करंट एक अलग चैप्टर है और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये तीन चैप्टर कैरी करती है ये यूनिट. और इस यूनिट को आपको कंपल्सरीली करना है. ये यूनिट टफ नहीं है, क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे और आप लोगों से आंसर करते बन जाएंगे अगर आपने इनके थ्योरी लेक्चर्स को एक बार देखा है, बुक से एक बार रीड किया है और फिर क्वेश्चन आंसर्स ट्राई किए हैं तो. सो प्लीज़ मेक श्योर कि ये यूनिट तो आपको एनी हाउ कम्प्लीट करनी है. द यूनिट नंबर सेकेंड इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस यूनिट को भी आपको कम्प्लीट करना है. द सेकेंड वन इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI आपने सुना होगा, और ये इतना टफ चैप्टर नहीं है. अगर आप इसको ध्यान से समझें तो यू विल बी एबल टू गेट द नॉलेज दैट इज इन साइड द चैप्टर, एंड इससे भी क्वेश्चन आपको बन जाएंगे. द नेक्स्ट चैप्टर्स आर द इलेक्ट्रोस्टेटिक्स, द नेक्स्ट यूनिट इज द सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, और प्लीज़ मेक श्योर कि इन चैप्टर्स को आप मिस नहीं करेंगे. ये चैप्टर सबसे ईजी चैप्टर्स हैं. अगर आप इन्हीं को कर लेते हैं सो हाफ से ज़्यादा सेक्शन फिजिक्स के भी आपको आंसर करता बनेगा. सो जहाँ हमारा लेवल था कि हमसे एक भी क्वेश्चन फिजिक्स का नहीं बन रहा था, वी विल बी एबल टू सॉल्व हाफ ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द फिजिक्स सेक्शन टू, एंड दैट्स व्हाट द ग्रेट न्यूज इज. After that, we will see the most easiest chapter also includes the atom chapter and the nuclei, and lastly the dual nature of matter. ये थे chapters from the 12th standard. अब 11th standard से chapters थोड़े से tough हैं. So what we will do is we will do only 3 or 4 chapters from the 11th class too. So these chapters are firstly the gravitation, you can do it too. The next one is the thermodynamics. इसमें थोड़ी सी logic है लेकिन बहुत सारी theory भी है, तो make sure that you are reading that too. After that, the laws of motion, and lastly, the work, energy and power. So what you have to do is you can complete all these 3-4 chapters in the 11th,
और यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप्रॉक्स 10 चैप्टर्स मिल रहा है इन द 12th सेक्शन. तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपके पास टोटल 28 टू 29 चैप्टर 11th और 12th के मिला के आपके पास एटलीस्ट 15 टू 16 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं. तो रहेंगे सिर्फ 8 या 9 चैप्टर्स और यू कैन लीव देम इफ़ यू आर फाइंडिंग डिफ़िकल्टी. और अगर इन सारे चैप्टर्स के बाद भी आपके पास टाइम बचता है और अगर इन चैप्टर्स के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है दैट येस यू कैन डू द फिजिक्स, यू कैन मूव टू द अदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स टू. सो वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ दैट ये चीज़ हमारे हाथ में है कि हम प्रेपरेशन कैसे करते हैं. वी डोंट नो और वी डोंट हैव दिस थिंग कि नीट से ही सिलेक्शन होगा या PNST से, तो सिलेबस सेम है. सो लेट्स प्रिपेयर हार्ड एंड लेट्स गेट सिलेक्टेड. दिस इज साक्षी, दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो.